रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लंबे वक्त से सीतापुर की जेल में बंद है। रामपुर में आजम खान और उनके परिवार द्वारा कब्जाई गई जमीनों पर कार्रवाई करने वाले आईएएस अधिकारी को सरकार ने 2 साल और ज्यादा प्रतिनियुक्ति बढ़ाकर इनाम दिया है। आपको बता दें कि रामपुर के डीएम अजन्य कुमार सिंह ने आजम खान के परिवार पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी और अब भी लगातार अपने काम पर लगे हुए हैं, जिसके बाद से वे चर्चा में हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब वे और 2 साल यूपी में ही बने रह सकेंगे। आपको बता दें कि अजन्य कुमार सिंह सिक्किम कैडर के साल 2005 के आईपीएस अधिकारी हैं। मजे की बात तो ये है कि उनकी प्रतिनियुक्ति भी अखिलेश सरकार के वक्त हुई थी। पिछले 6 साल से वे यूपी में ही हैं और आगे 2 साल भी वे यानी 14 फरवरी 2023 तक यूपी में ही बने रहेंगे। इसके अलावा जान लीजिए कि आजम खान के बेटे को भी बीते दिनों शत्रु संपत्ति के मामले में जेल हुई थी, लेकिन हाल ही में उनकी जमानत हो गई है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कुछ दिन पहले यूपी सरकार ने आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी जौहर यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की थी। जौहर ट्रस्ट पर आरोप था कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसानों की जमीन कब्जाई गई है। इस यूनिवर्सिटी के लिए अखिलेश सरकार द्वारा दी गई 70 हेक्टेयर जमीन पर यूपी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव, रामपुर से आमिर खान के साथ यूपी तक।